नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और मैं हमेशा ही आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लाता रहता हूं, एग्ज़ाम से रिलेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियो, कट ऑफ और भी बाकी चीज़ें। और दोस्तों आज जो मैं आपके लिए लिखाया हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को ज़रूरत है वो है रिजल्ट्स की, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही ARO का एग्ज़ाम है। इसके भी आपके स्टेज वन और स्टेज टू के दोनों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, टाइपिंग हो चुकी है। टाइपिंग टफ थी लेकिन बच्चों ने करी, और उम्मीद है उन लोगों को कि हमारा रिज़ल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि इनमें से किसका रिज़ल्ट पहले आ रहा है। और दोस्तों ये बहुत ही कंफर्म है, ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल सत्य मैं बता रहा हूँ आपको न्यूज़, क्योंकि इस न्यूज़ में किसी का भी कोई भी रोल नहीं है। इस न्यूज़ में सबसे बड़ा रोल जो अगर किसी का है तो वो है ख़ुद आपका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सर्वे पूरी तरीके से आपसे कराया गया है। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक सर्वे कराया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसका रिज़ल्ट पहले आएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। 281 वोट्स मुझे मिले इस पे कि किसका रिज़ल्ट पहले आएगा। और अगर आप देखें तो बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके रिज़ल्ट की दरकार सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का रिज़ल्ट 47% लोगों ने कहा है कि ये सबसे पहले आएगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का रिज़ल्ट देखा जाए तो 28% के साथ दूसरे नंबर पर है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का रिज़ल्ट तीसरे नंबर पे 26% के साथ। दोस्तों आपका हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।